अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान का विजिट किया। इस विजिट के दौरान डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने मुलाकात की पाकिस्तान के वजीर खारजा से, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मुलाकात करेंगे। आज हम इस दौरे के बारे में बात करेंगे कि इस दौरे का मेन मकसद क्या था, इंडिया के अंदर जो बयान दिया वो फिर बयान चेंज हो गया पाकिस्तान आकर, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान साहब, CEO स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आप मुख्तलिफ चैनल के साथ पहले काम भी कर चुके हैं, अब अपने यूट्यूब चैनल के जरिए पाकिस्तानी अवाम तक इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उनके बारे में मुस्बत जो खबरें हैं वो सामने लेके आ रहे हैं, तजिये भी सामने लेके आ रहे हैं, मुख्तलिफ इंटरव्यूज भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर जरा बताइएगा, बहुत बड़ा विजिट नहीं कह सकते लेकिन अपनी नौयत का अहम तरीन विजिट था, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका की पाकिस्तान आई दो रोजा दौरे पर, इससे पहले वो दिल्ली में मौजूद थी, वहां से उन्होंने फ्लाई की और पाकिस्तान आई। सर आप इस विजिट कैसे देखते हैं और आपके पास इस विजिट के बारे में क्या खबरें? लेकिन जब से ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इक्तदार में आई है, पाकिस्तान को स्नब्स पे स्नब्स दे रही है। मसलन अभी तक आप जानते हैं कि बाइडन और खान साहब के दरमियान बातचीत नहीं हो सकी, कोई रबता नहीं हो सका। इसी तरीके से आप देख लें कि इक्तदार में आप फौरन आने के बाद कभी ब्लिंकन इंडिया का चक्कर लगा रहा है, कभी इनका ऑस्टिन चक्कर लगा रहा है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। इसकी वजह ये है कि हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर रीअलाइनमेंट का एक प्रोसेस पिछले कुछ सालों से शुरू हो चुका है और उसमें जो नया एक पॉलिटिकल ऑर्डर डेवलप हो रहा है उसके अंदर पाकिस्तान की जगह अब अमेरिका को जो है वो भारत की जरूरत है। बेसिकली ये खातून जो यहाँ पे आई हैं, दौरे पे आई, दो रोजा दौरा था, इंडिया के बाद इधर आई और इंडिया में इन्होंने एक बयान भी दिया जिसमें इन्होंने जो है एक आवाजारी जो है उसका तासुर दिया पाकिस्तान के साथ और हिंदुस्तान के साथ एक जो है पींगे बढ़ाने का इन्होंने इंडिया दिया। और इस बयान की सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस है कि इंडिया में बैठ के इस पैगाम देने का मकसद ये था कि इंडिया की खातिर पाकिस्तान को जो है अमरीका जो है वो दबाने की भी कोशिश करेगा, उसको जो है निगलेक्ट भी करेगा और सब कुछ करेगा ताकि इंडिया जो है वो खुश हो सके। और इन्होंने वहीं पे बैठे हुए पाकिस्तानी दौरे का ये जो है वजह भी बता दी कि क्योंकि तालिबान इक्तदार में आ चाहते हैं, अमेरिकन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ऐसे ताल्लुकात रहें ताकि तालिबान जो सोच रहे हैं जो कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो दिख रहा है जो है वो मार्च तक पहुंच सकें। इंडिया दो ये आई थी इसीलिए इंडिया के बाद पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान के बाद कुछ खबरों के मुताबिक इन्होंने उज़्बेकिस्तान जाना था और आप जानते हैं कि कल जो है एक मुलाकात भी हुई है तालिबान की और अमेरिकन डेलीगेशन की दोहा, अफगानिस्तान में तालिबान के इक्तदार में आने के बाद ये पहली मुलाकात थी। और इसी तरीके से अमेरिकन अब ये चाह रहे हैं कि उज़्बेकिस्तान से एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोली जाए और इस सिलसिले में आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो है ब्रिटिश स्पेशल एनवॉय टू अफगानिस्तान जो है उन्होंने भी काबुल का दौरा किया था, वहां पर डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से उन्होंने बात की। बेसिकली अमेरिका को इस चीज की समझ आनी शुरू हो गई है, आ रही है लेकिन समझ आ रही है कि तालिबान के साथ उसके रिलेशन बेहतर होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर तालिबान के साथ नहीं होते तो सेंट्रल एशिया के अंदर उसको अपनी जो मफादात हैं उसको पूरा करना बहुत उनके लिए मुश्किल होगा। इसीलिए एक ये खुद जो इंडियन एक्स एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, हाई कमिश्नर भी रहे हैं, के बद्रा कुमार, तो उनका कहना ये है कि ब्रिटिश बेसिकली स्पेशल एनवॉय का दौरा जो है ये वो शुरुआत थी जिसके तहत कुछ अरसे बाद हम देखेंगे अमेरिका और बरतानिया जो हैं ये ना सिर्फ तालिबान रेजिम को जो है एक्सेप्ट कर लेंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि उसके साथ सेंट्रल एशिया, चाइना और रशिया के अंदर जो इनके मफादात हैं वो इस एरिया के अंदर खासतौर पर ज्योग्राफिक रोकना चाहूंगा। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या हम ये इमेज कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर बैठ के अमेरिका की डिप्टी स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ने कहा कुछ और बयान दिया तो फिर पाकिस्तान जब आई तो उन्होंने कुछ और बयान दिया। सर आप क्या समझते हैं कि अब काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं, अब पाकिस्तान जो है किसी मुख्तलिफ ब्लॉक के अंदर जा रहा है, अमेरिका इंडिया किसी और ब्लॉक के अंदर है, तो आप समझते हैं कि डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया? अब
देखिए पाकिस्तान की तो स्टेटेड पॉलिसी है जो हमारे एनएसए, हमारे वजीर खारजा और हमारी हायर लीडरशिप बार बार कह चुकी है कि हम तमाम बड़ी ताकतों के साथ अच्छे जो है ना वो ताल्लुकात चाहते हैं और किसी ग्रेट गेम या किसी भी जो एक कोल्ड वॉर है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन अमरीका की जो पॉलिसी है खासतौर पर जिस तरीके से वो इंडिया को उभार रहा है तो वो पाकिस्तान को खुश कर रही है कि हम मजीद अपने ब्रादर मुल्क, अपने दोस्त मुल्क चीन के करीब हों और रूस के साथ किसी सिक्योरिटी सेटअप के अंदर मजीद हम आए। अच्छा यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि आपने जो भी कहा कि वहाँ पे कुछ बोल रही थी यहाँ पे आके कुछ और बोली, तो यहाँ पे उसको रिसेप्शन जो है वो मेरे ख्याल में अमरीका की तारीख में पहली दफा इतना कूल्ड मिला कि एयरपोर्ट पे लेने के लिए कोई बड़ा ऑफिसर या कोई बड़ा जो है नहीं आया हुआ था, वजीर नहीं आया हुआ था। उसके बाद जो है एनएसए से मुलाकात हुई, शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई, फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात हुई और इसके ऊपर भी अब्दुल बासित हमारे जो एक्स हाई कमिश्नर टू इंडिया उन्होंने बड़ी तनकीद की है कि नहीं मिलना चाहिए था हमारे वजीर जो खारजा को, जिस तरह इंडिया के अंदर जो है इसका जो शर्मन साहब, मिस शर्मन का जो काउंटर पार्ट है जो इक्वल था वो तो हमारा फॉरेन सेक्रेटरी था, इंडिया में भी यही हुआ था, उनकी मुलाकात होनी चाहिए। इसमें एक और चीज थी, इन्होंने बड़ी कोशिश की के खान साहब से मुलाकात हो जाए लेकिन वो उसका खान साहब के पास टाइम नहीं था, जिससे पता चलता है कि अब पाकिस्तान भी अमेरिका को अपने कैलकुलस के अंदर को ऊंचा मकाम नहीं दे रहा। बस पाकिस्तान चाहता है कि एक बस जिस तरह हाईवे एक आपके ताल्लुकात होते हैं वो रहें, लेकिन वो जो एक अहमियत अमेरिका की किसी जमाने में पाकिस्तान के लिए थी वो खत्म हो चुकी है। इसी तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जब मुलाकात हुई इसकी रिक्वेस्ट पे, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी सिविलियन ड्रेस में थे और वो चिट चैट थी, उससे ज्यादा कोई बात नहीं थी। तो इस बात की वजह से जाहिरी बात है कि एक बहुत सख्त किस्म का पैगाम जो है वो उधर भी पहुंचा होगा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ कुछ नहीं है। अब अमेरिका को के लिए मसला सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान के बगैर पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मैंने उस एक हमने पहले प्रोग्राम में बात की थी कि ये कुल का किरदार अदा करता है बिटवीन साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट, तो पाकिस्तान के साथ तो वो बिगाड़ नहीं सकते। अच्छा दूसरा इंडिया के साथ हवाले से आप अगर अखबारात का मुतालिया कर रहे हैं तो इस शर्मन के इस दौरे से पहले जो है ट्वेंग के एरिया के अंदर जो है बकौल इंडियन प्रेस के चाइनीज ने 100 के करीब फौजी थे जो है आने की कोशिश की जिसे इंडियन आर्मी ने रोका। अच्छा ट्वेंग का एरिया बड़ा जो है ना मजेदार है, इसको चाइनीज समदू रोंगचू कहते हैं और इंडियन जो है ना ट्वेंग कहते हैं। 80s के अंदर भी यहाँ पे एक झड़प हुई थी और आपको पता है कि हमारे चाइनीज दोस्त जो हैं अपनी हिकमत अमली के अंदर लाजवाब हैं, वो एक एक लम्हा जो है ना उसकी प्लानिंग करके मूव करते हैं। तो चाइनीज जब 80s में यहाँ पे आए तो इंडियन आर्मी के उस वक्त चीफ था सुंदर जी, जिसने इंडियन आर्मी को डॉक्ट्राइन दी थी, उसी डॉक्ट्राइन का अब जो है ना वॉर डॉक्ट्राइन का आप रिफाइंड वर्जन जो है काफी हद तक वो आपको कोल्ड स्टार्ट की सूरत में मिलता है। बुनियाद बेसिकली ब्लिट्ज़क्रिग और आर्मर वगैरह वगैरह इसकी जो है उन्होंने सुंदर जी ने ही रख दी थी। तो सुंदर जी साहब ने इतना गोला बारूद ऊपर पहुंचा दिया, ये सुनने बड़े मजे की आपके व्यूअर्स के लिए, कि चाइनीज ने जब देखा कि यहाँ पे इतना कुछ हो चुका है उन्होंने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया, वो पीछे चले गए। फिर इंडियन आर्मी जो है उसके लिए एक नया मसला खड़ा हो गया कि जितना सामान ऊपर भेज चुके थे, जितना करोड़ों अरबों का असला भेज चुके थे, उसे वापस लाते हैं तो डबल खर्चा आ जाता है। सो वो 80s से लेके बाद में वहीं पे पहाड़ों के अंदर सरता रहा, रेस्टिंग होती रही और इंडिया को एक ऐसा थप्पड़ मारा चाइना ने कि इंडिया को समझ ही नहीं आई कि बगैर गोली चलाए इंडिया का अच्छा खासा नुकसान कर दिया। जी अच्छा सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट होती है सितंबर 28 को। सर ये डेवलपमेंट ये थी कि सेनेट के अंदर, अमेरिका की सेनेट के अंदर जो है एक बिल पेश किया गया, कहा गया कि जी सैंक्शन किया जाए तालिबानों को अफगानिस्तान के अंदर, और जिन जिन ने पाकिस्तान और जिन जिन ममालिक ने अफगान तालिबान की मदद की है उनको भी जो है कटारे के अंदर लेके आया जाए। सर इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उन्होंने अपील की अपनी डिपार्टमेंट से, स्टेट डिपार्टमेंट से, कि हमें ये बताएं कि इसके अंदर पाकिस्तान कितना इन्वॉल्व है। तो सर क्या इस दौरे के दौरान ये बातें हुई कि ये जो आपने बिल लेके आए आप इसको, आप इस बिल से पीछे हटे, इसके अंदर आप पाकिस्तान को बिला वजह जो है इंजाम तराशी कर रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान ने तो आपकी जंग में जो है अपना नुकसान करवा दिया। अच्छा इसमें मेरे पास अंदर की खबर नहीं, लेकिन एक लॉजिकल बात जो मुझे नजर आती है जी, देखो अफगानिस्तान के तालिबान के साथ एक तरफ तो अमेरिका तालिबान है, उसने दौरा किया, अभी जुल्मे खलीलजाद के साथ मुलाकात हुई दोहा के अंदर,
पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम गेम क्यों हो रही है? सबको पता है कि अमेरिका की या जो वहां पे इस तरीके से एक रिलीजियस मूवमेंट को पश्तूनों को निशाना बना बना के और नॉर्दर्न अलायंस के वॉरलॉर्ड्स को खुला हैंड दे के जिस तरीके से उस तालिबान तहरीक को पश्तून स्ट्रगल गया और उस पश्तून नेशनल स्ट्रगल से अगला पार्ट ये हुआ कि मुख्तलिफ एथनिसिटीज के लोग उस ऑक्यूपेशन मिला जाते हैं, उज़्बेक कमांडर्स भी हैं। तो सारे का सारा तो अमेरिका का अपना था, अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स ने बहुत ज्यादा खाया। तहकीक अगर अमेरिका ने करनी है तो ये देखे कि जिन लोगों ने अमेरिकन टैक्सपेयर्स का पैसा खाया उनको किस तरीके से कटहरे पे लाया जाए। पाकिस्तान के साथ क्या हुआ 2003 से? तो भाई आपने यहाँ पे इंडिया को ऐसी खुली छूट दे दी कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जंग शुरू हुई कि 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए, 7-8,000 के करीब हमारे फौजी जो है यहाँ पे शहीद हुए। तो पाकिस्तान किस तरीके से किसी की मदद करता है जबकि वो अपने घर के अंदर इतना सख्त मशगूल कर दिया गया? हाँ, तहकीकात करनी है तो ये करो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे कौन कौन सी ताकतें थी ताकि पता चले। जहां तक सैंक्शंस की बात है, पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जितना ये सैंक्शन की बात करेंगे उतना पाकिस्तान इनसे दूर होगा। जो इन्हीं की आगे स्ट्रेटेजिक जो है चेस उसके अंदर एक काउंटर प्रोडक्टिव होगा। दूसरा, तालिबान पे ये लगा लें पाबंदियां, तालिबान ने तो साफ साफ कह दिया बात करेंगे तो हम बराबरी की सतह पे बात करेंगे। इसी तरह तालिबान ने कहा तुम्हारी ये ड्रोन स्ट्राइक्स जो है हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अमेरिका को ये बातें समझ आ रही हैं। मेरे ख्याल में ये जो कुछ सेनेट के अंदर हुआ ये सारा पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए था। अच्छा, इसी सेनेट की हियरिंग के अंदर एक ने सवाल किया था कि जी क्या अमेरिका ने दरख्वास्त की है इंडिया को नॉर्थ वेस्ट के अंदर यानी कि कश्मीर के अंदर बेसिस दी जाए? तो अमेरिका को भी ये पता है, ये सारी पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए तो बात है। एक डिस्प्यूटेड जो ये इलाका है और ये एक रेड लाइन क्रॉस करना होगा चाइना और पाकिस्तान की। तो ये सब बातें आपको सुनने की जरूर मिलेंगी। ये हमें स्नब करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी ये जैसे जैसे देखेंगे कि हम इनके नीचे दब नहीं रहे हैं तो आप देखेंगे कि जब इनको पता चल जाएगा कि ये दब नहीं रहे तो ये खुद ही हमारे साथ जो है नॉर्मल हो जाएंगे। इसलिए इन बातों के ऊपर ज्यादा तवज्जा देने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, हमारी सबसे ज्यादा ट्रेड अमेरिका के साथ हो रही है, इसी तरीके से यूरोप के साथ हो रही है, लेकिन यूरोप काफी हद तक अमेरिका के चंगल से बाहर आ चुका है, वो भी अब एक इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहा है। और अमेरिका दूसरी बात की याद रखने की एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है। तो यहाँ पे आके एक ब्लॉक अगर अमेरिका सख्ती जो दिखाने की कोशिश कर रहा है इनकी स्टेटमेंट के हाथ तक, तो एक ब्लॉक यहाँ पे बन जाता है पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, अजरबैजान, रशिया, चाइना। तो इसका नुकसान तो अमेरिका को ही होगा। इसलिए मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल बातें, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस बारे में अमेरिका को खुद भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान हमारे साथ इन्होंने जो जंग शुरू की अफगानिस्तान के अंदर, इसके अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अच्छा खासा इफेक्ट हुआ है इस बिल को लेके आना। मतलब कि आप अपने अलाई को उस जंग में जो है अपने खुद अकेला, वो खुद इस जंग में आके जलील हुआ अपने यहाँ, उसने करोड़ों का नुकसान करवाया। हमारे यहाँ क्रिकेट खत्म हुई, हमारे यहाँ यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट बिलियंस आने थे। एक मैं बात बताऊं कि आप तो उस वक्त यानी कि मेरे बहुत छोटी उम्र में हो जिस वक्त ये 9/11 का वाकया हुआ, उस वक्त मैं कॉलेज में था। ठीक है, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ पे हर जगह पे खुशी खुशी थी, हम लोग जहाँ चाहते थे फिरते थे, और एक जो एक बरकत थी ये अमेरिका के आने के बाद पाकिस्तान जो है इसने बहुत नुकसान उठाया। अगर आप प्री 9/11 के पाकिस्तान को देखो और अफगान इन्वेजन से पहले के पाकिस्तान को देखो और अब के पाकिस्तान में देखो, जमीनों आसमान का फर्क है। हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं और कुर्बानियां देने के बाद हमने दहशतगर्दी की जंग की थी। जब अमरीकियों ने खुद एनजीओस थी, उन्होंने करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर जो है वो खुद अपनी गवर्नमेंट से कमाए और जिसका नतीजा ये हुआ कि रियलिटी तो ये उस वक्त भी जानते थे कि क्या हो रहा है, किस तरीके से एक पश्तून नेशनल स्ट्रगल और उसके बाद एक अफगान नेशनल स्ट्रगल के अंदर जो है तालिबान मूवमेंट जो है वो चेंज हो रही है। तो ये रोकना चाहते तो ये रोक सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं रोका। और इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? अलकायदा तो इनके अपने मुताबिक 2010 तक जो है वो छोड़ के जा चुकी थी जी। तो क्यों ये वहां पे ठहरे रहे? तो इनकी अपनी गलतियां हैं जिसकी वो शर्मिंदगी उठानी पड़ी। पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं
जी बिल्कुल, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। हमारे यहाँ काफ़ी सारे 2001 से लेके अगर अब तक देखा जाए तो काफ़ी सारे हमारे जंग में नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ना कि सिर्फ सियासी तौर पर, माशी तौर पर और ग्राउंड लेवल्स पर भी काफ़ी पाकिस्तान को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। ख़ास करके अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करें, अगर आप बलूचिस्तान तक जाएँ, आपको वो दास्तानें नज़र आएंगी जो हमें इस जंग में हमें नुकसान हुआ है। अगर इस विजिट के बारे में बात की जाए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो इस वक्त वजीर खारजा हैं शाह महमूद कशब, उन्हें ये चाहिए था कि वो ये इस मुलाकात में ना बैठते, किसी और को बिठा देते इस मुलाकात में, जो उनके अंडर सेक्रेटरीज हैं उनको बिठाते इस मुलाकात के अंदर, तो शायद एक मुस्बत मजीद अच्छा एक जवाब जाता कि पाकिस्तान को जो आपने पाकिस्तान के खिलाफ वहां से निकलते हुए इंजाम तराशी की, उस पर पाकिस्तान को काफी गुस्सा भी है, पाकिस्तान काफी दुख में भी है कि पाकिस्तान ने आपकी इतनी मदद की जंग के अंदर और निकलते हुए आपने पाकिस्तान पर दोबारा वो कीचड़ उछाला। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।